गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय गुंडावर, केमिस्ट्री फैकल्टी। टुडे वी डिस्कस अबाउट फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और फ्राइस रीअरेंजमेंट बोल सकते हो। ओके, इसमें क्या पढ़ते हैं अपन, फिनॉल्स से फिनॉल का इस्टर, उसके बाद हाइड्रोक्सी कीटोन किस तरह बनता है और कितने प्रोडक्ट्स बनता है, ये पूरा अपन सीखेंगे फ्राइस रीअरेंजमेंट में। ओके, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ योर नीट आईआईटी एंड बोर्ड एग्जाम। ओके बच्चों, तो अपन शुरू करने वाले यहां फ्राइस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहां रिएक्शन में क्या लेना है, अभी फर्स्ट देखो, यहां रिएक्शन देखो, फिनॉल याद रखो, फिनॉल कभी भी आता है तो फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस के साथ। बेस क्या लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहां और एक भी रहता है पिरिडिन। तो पिरिडिन लिखेंगे या नहीं लिखेंगे आपकी मर्जी है, बट फिनॉल व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH का काम क्या है, बेस। बेस क्या करेगा, यहां से इस वाले हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो अब्स्ट्रैक्ट करते यहां से क्या निकल गया है, H2O, और यहां क्या मिलेगा अपने को, C6H5। यहां क्या रहेगा, O- और यहां से Na+ बन गया। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी इस वाले सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्शन करना है CH3 C double bond O Cl। ओके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एसिटाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम। अगर IUPAC पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। सो IUPAC एंड दिस वन इज कॉमन। अभी देखो, सोडियम फिनॉक्साइड एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करना है तो यहां कैसे होता, देखो यहां कार्बन क्लोरीन का जो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के तरफ माइग्रेट होता है, क्यों, यहां क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहां क्लोरीन के ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तो ये तो सेपरेट हो गया। ओके, अभी ये वाला Cl इसके साथ जुड़ जाएगा अभी Na के साथ, तो Na निकल जाएगा। अभी अपने को यहां क्या मिलेगा, C6H5, इट मीन्स बेंजीन वाला जो साइक्लिक स्ट्रक्चर, और यहां ऑक्सीजन, इस वाले ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, इस वाले पॉजिटिव के साथ, तो यहां क्या बनेगा, एक नया सिंगल बॉन्ड C double bond O CH3। ओके बच्चों, ये रहेगा इसका मेन वाला अभी रिएक्शन। एक्चुअली रिएक्शन यहां से शुरू होता है, बट आपको जो भी प्रोडक्ट बनेगा कहां से बनेगा, इस वाले इस्टर के साथ। इसको एस्टर क्यों बोलेंगे, देखो यहां फंक्शन ग्रुप C double bond O bond O, तो इसको बोलेंगे फिनाइल एसिटेट। क्या बोलेंगे, फिनाइल एसिटेट। ओके, ये एस्टर बन गया है। अभी ये वाला एस्टर किसके साथ, AlCl3 के प्रेजेंस में, इस वाले फिनाइल एसिटेट AlCl3 के प्रेजेंस में क्या होगा, AlCl3 के प्रेजेंस, आपको पता होगा AlCl3 को क्या बोलते हैं, लिविस एसिड। लिविस एसिड मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो इसके प्रेजेंस में इस वाला जो एस्टर जो कंपाउंड है ये रीअरेंज हो जाएगा। रीअरेंज होके अपने को दो प्रोडक्ट्स मिलेगा। देखो बच्चों, फर्स्ट एक लिख रहा हूं C6H5, यहां ये C6H6 है, यहां एक बॉन्ड प्रेजेंस है तो C6H5 बोल दिए, बट यहां थोड़ा सा रीअरेंजमेंट में क्या बनेगा, देखो
OH और ये वाला जो ग्रुप है एक कंपाउंड में आर दो पोजीशन पे बनाए और देखो OH एक प्रोडक्ट में पैरा पोजीशन पे बना है। पैरा पोजीशन पे और आर दो पोजीशन पे क्यों बना है? बिकॉज यहां जो ओ ग्रुप है OH ऑलवेज इट इज आर दो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, आर दो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप। जैसे एक्टिवेटिंग ग्रुप रहेगा तो इस वाले साइक्लिक स्ट्रक्चर के ऊपर अपने को डेंसिटी इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा। जब इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ेगा तो इनकमिंग ग्रुप क्या रहेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो अभी यहां जो स्पीसीज आ रहा है ओके, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलना है आपको ये वाले स्पीसीज को? इसको बोलना है आपको इलेक्ट्रोफाइल। हो गया, इस वाले इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैच हो रहा है? इस वाले माइनस पे, ये तो हो गया। बट यहां रीअरेंजमेंट होके ये वाला जो इलेक्ट्रोफाइल कहां जा रहा है? आर दो और पैरा पोजिशन। कैसे जा रहे हैं आपको कहां से पता चलेगा? मैकेनिज्म में। सो पहले देखो इस वाले प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? आर दो हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी क्यों बोलते हैं? वहां मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? वहां कीटोन। आर दो हाइड्रोक्सी और इसको बोलते हैं एसीटो और फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन। कीटोन किसको अटैच है? इसको, तो एसीटो फिनोन। आर दो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और ये क्या बनेगा? प्यारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। हो गया बच्चों, ये इसका मेन प्रोडक्ट है। बट रिएक्शन एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यहां से शुरू होगा। बट ये डायरेक्टली मिलेगा क्या? नहीं, उसको कहां से लाना है? यहां से। ओके, तो अब एग्जाम में यहां से भी याद रखना है और यहां से भी याद रखना है। तो एक बार और एक बार इसका रिएक्शन एक्सप्लेन करता हूं। देखो, व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपली विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू गेट फिनाइल एसिटेट, इट इज एन एस्टर। एंड दिस एस्टर कंपाउंड अंडरगोस रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ लिविस एसिड दैट इज AlCl3 टू गेट आर्दो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। फटक से इसका स्क्रीनशॉट ले। देखो बेटा मैकेनिज्म में कहां से शुरू करते हैं? यहां जो अपने को फिनाइल एसिटेट मिला है, फिनाइल एसिटेट का फॉर्मूला क्या है? C6H5O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है फिनाइल एसिटेट। फिनाइल एसिटेट किसके साथ रिएक्शन करेगा? आपने को पता है इट रिएक्ट विद लिविस एसिड। लिविस एसिड का फॉर्मूला क्या है? AlCl3। AlCl3 इज ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो अभी इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा दिख रहा है? इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो ये वाला ऑक्सीजन क्या करेगा? उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट कर देगा। तो अभी इन दोनों के बीच में एक रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन के थ्रू क्या बनेगा? एक नया सिंगल बॉन्ड। हो गया, तो सिंगल बॉन्ड बनते ही देखो यहां क्या बनेगा? ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। हो गया, कंटिन्यूएशन में यहां सिंगल बॉन्ड तो बना है AlCl3। ओके, अभी इसमें ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज बनेगा? प्लस, और AlCl3 के ऊपर माइनस। क्यों? ऑक्सीजन डोनर और AlCl3 क्या है? एक्सेप्टर। तो ये तो बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O एंड बॉन्ड AlCl3। अभी इसमें ऑक्सीजन तो हर बार उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता, क्या करेगा? थोड़ी देर के बाद फिर से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा? देखो, ये तो अगर अट्रैक्ट करेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगा क्या? नहीं, ये पीछे चले जाएगा। और रही बात ये वाला इलेक्ट्रॉन टूट सकता है क्या? नहीं।
अभी ऑक्सीजन कौन सा इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, लास्ट ऑप्शन ये वाला, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस वाले इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ खींच लेगा। तो उसके तरफ खींचते ही यहां से देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो इसके पास माइनस, ऑलरेडी प्लस, न्यूट्रल बन गए, बट इस वाले बॉन्ड से इसके ऊपर माइनस आ रहा है तो इसके ऊपर क्या बनेगा, प्लस। तो देखो यहां CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये तो बना है, और यहां बनता है C6H5 O AlCl3। इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास तो आ गए। ओके, अभी यहां इस वाले स्पीसीज को क्या बोलते हैं अपन, एसिलियम कैटायन, और सिंपली इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रोफाइल इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कहां अटैक करेगा या कहां रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास। यहां इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कहां है आपको कहां भी नहीं दिख रहा है। ओके, बट याद रखो बच्चों, अपन जीओसी में पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, उसमें यहां जो ओ वाला जो स्पीसीज है, ओ वाला जो स्पीसीज है ये क्या है, प्लस आर ग्रुप, प्लस आर इट मीन्स प्लस रेजोनेंस आर प्लस मेसोमेरिक। इसका मीनिंग क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग किसको कर सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर देखो, यहां का इलेक्ट्रॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर आएगा तो यहां तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बन रहा है, एट द सेम टाइम ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाना है। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ, तो देखो यहां C डबल बॉन्ड O CH3, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आते ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दे। ओके, डोनेट कर देते ही यहां देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहां C6, ओके, यहां रेजोनेंस टूट गया है और इन दोनों के बीच में एक नया बॉन्ड बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, और यहां क्या बनेगा, डबल बॉन्ड O, ओके, और यहां माइनस रहेगा AlCl3 माइनस, ऑक्सीजन के ऊपर फिर से प्लस, ये वाला स्पीसीज बन रहा है। बट ये भी कंप्लीट प्रोडक्ट है क्या, नहीं है। कंप्लीट प्रोडक्ट के लिए और क्या होना है, फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर आना है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर के लिए क्या करना है, फिर से यहां बॉन्ड बनना है, बट वो बॉन्ड कहां से बनेगा, देखो इस वाले कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो इसके पहले भी बोला था ऑक्सीजन ज्यादा देर तक उसके इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेगा, तो थोड़े देर के बाद फिर से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो फिर से यहां सिंगल बॉन्ड और रेजोनेंस नहीं। तो ये ऑक्सीजन उसके इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लेते ही ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सैक्रिफाइस करेगा, सैक्रिफाइस करके वो तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते ही यहां क्या बना है, देखो C6H4, यहां तो रेजोनेंस आ गया और यहां बना है O AlCl3 माइनस, ओके, और यहां C डबल बॉन्ड O CH3। देखो बच्चों, यहां जिन्हों हर एक कार्बन के ऊपर वैलेंस सेटिस्फाइड होना है, देखो A 2 3 4, तो यहां हो गया, यहां भी हो गया, यहां भी, यहां भी हो गया, यहां से H+ बाहर निकल रहा है, H+ बाहर निकल गया है तो H+ किसके साथ जुड़ जाएगा भाई, H+ जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज किसके पास है, फिर से ऑक्सीजन के पास। तो जैसे ही यहां जो H+ आ रहा है, H+ इस वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो देखो यहां इन दोनों के बीच में बॉन्ड इस तरह लिखता हूं, ओके, माइनस, तो ये वाला इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, तो इन दोनों के बीच में तो बॉन्ड बन रहा है,
एट द सेम टाइम ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसके तरफ या इसके तरफ? सोच सकते हैं कि O और AlCl3 के बीच वाला बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन रहेगा फिर से ऑक्सीजन की तरफ आ जाएगा। ओके, ऑक्सीजन की तरफ आते ही यहां बॉन्ड ब्रेक हो गए। बॉन्ड ब्रेक होते ही देखो C6H5 यहां H4 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहां सिंगल बॉन्ड O। O किसके साथ जुड़ गया है? H के साथ। ओके, और यहां से बाहर क्या निकला है? AlCl3। अभी जो बना है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं अपन? आर्दो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्दो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। ये रहेगा आर्दो हाइड्रोक्सी का माइग्रेशन। ओके, और एक बार बता रहा देखो, जो एस्टर रहेगा, एस्टर रिएक्ट विद AlCl3। नाउ रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू स्पीसीज। देखो बच्चों, AlCl3 के साथ रिएक्शन करते ही एक इंटरमीडिएट बनेगा, बट इंटरमीडिएट में ऑक्सीजन ज्यादा देर तक उसके इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो सिंपली अपने को बनेगा इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला स्पीसीज। बट ये वाला जो स्पीसीज O है, इट इज R प्लस R ग्रुप, इट मीन्स इट इज इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन ऑन द साइक्लिक सिस्टम। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ भेजेगा तो ये डबल बॉन्ड बन रहा है। एट द सेम टाइम यहां का जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है इसको डोनेट कर देगा, तो अपने को ये बनेगा, बट इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो डोनेट कर रहा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है उसको फिर से उसके तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये सिंगल बॉन्ड बना देगा। बट यहां जो रेजोनेंस आने के लिए यहां जो हाइड्रोजन रहेगा वो उसके इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस करके क्या बनेगा? ये वाला स्ट्रक्चर, और यहां से H प्लस निकल गया। बट ये वाला H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से उसके इलेक्ट्रॉन को यहां डोनेट करेगा और यहां के इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ खींच लेगा। तो ऑक्सीजन के पास फिर से दो लोन पेयर्स रहेगा और दो बॉन्ड, तो बन गए ये वाला। और इसमें अभी क्या रहेगा, ये एज इट इज और आर्दो पोजीशन पे सी डबल बॉन्ड और सी एच थ्री, ये रहेगा आर्दो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन प्लस AlCl3। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको पैरा का भी यहां माइग्रेशन बता देता हूं। ओके, देखो बच्चों, फिर से पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन के लिए फिर से सेम स्ट्रक्चर लेते हैं, एस्टर वाला। एस्टर रिएक्ट विद AlCl3, तो इन दोनों के बीच में रिएक्शन बनेगा। देखो यहां C6H5 O किसके साथ जुड़ जाएगा? यहां AlCl3 के साथ, और यहां C डबल बॉन्ड O CH3। ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, AlCl3 के पास नेगेटिव, ये तो बना है। अभी थोड़ी देर के बाद ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, जो दिया हुआ इलेक्ट्रॉन से फिर से अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो यहां से बाहर निकलने वाला स्पीसीज कौन सा है? CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, इट इज इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए क्या गया। ओके, और यहां क्या बनेगा, C6H5 O AlCl3 माइनस, और इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं। बट अभी आपको याद होगा आर्दो स्ट्रक्चर तो पढ़े अपन, बट पैरा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए अपने को इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कहां दिखाना है? पैरा के लिए डायरेक्टली एक स्टेप में लिखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, तो उनको सिस्टमेटिक पे करना है। कैसे करते, देखो भाई, फर्स्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर के तरफ हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर के तरफ आते ही यहां माइनस बन रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके तरफ आएगा तो यहां माइनस यहां प्लस हो गया। तो यहां माइनस प्लस के साथ क्या बनेगा, आपको
याद रखना पड़ेगा, जैसे एडजेसेंट एटम के ऊपर दो डिफरेंट चार्ज रहा तो क्या बनेगा, एक डबल बॉन्ड। यहां तो डबल बॉन्ड कॉमन, ये वाला जो पॉजिटिव इसके साथ जुड़ के क्या बना है, एक डबल बॉन्ड बन गया है, डबल बॉन्ड। और एयर सी एल थ्री माइनस, ऑक्सीजन के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव। और यहां जो माइनस रहेगा, माइनस किसके साथ जुड़ जाएगा, इस वाले प्लस के साथ, तो यहां इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया है, हो गया। बट इसमें रेजोनेंस है क्या, रेजोनेंस तो नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर से ऑक्सीजन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट एट द सेम टाइम यहां का जो हाइड्रोजन, ओके, तो यहां फिर से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन अंदर के तरफ देगा तो ये ऊपर के तरफ, ये भी ऊपर के तरफ। देखो बच्चों, रेजोनेंस बनने के लिए जैसे यहां ऑक्सीजन क्या करेगा, थोड़ी देर के बाद उसके इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया है तो यहां तो पॉजिटिव चार्ज निकल जाएगा सिंगल बॉन्ड, बट यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ लेते ही इस वाला पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट में शिफ्ट हो जाएगा, और यहां का हाइड्रोजन क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को सैक्रिफाइस करेगा। सैक्रिफाइस कर दिए तो देखो यहां क्या बनेगा, यहां C6H4, यहां एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और यहां सिंगल बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड बन गए, और यहां ऊपर सिंगल बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड बनते ही ऑक्सीजन के ऊपर का चार्ज चले गया है, बाकी AlCl3- और यहां C डबल बॉन्ड को CH3। अभी यहां और भी क्या है, H+ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज के साथ फिर से अटैच हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीसीज कौन सा है, ये वाला, तो अभी ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। हाइड्रोजन को डोनेट करते फिर से क्या बनेगा, यहां इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, ओके, तो यहां ओ एच और AlCl3-, बट ऑक्सीजन के ऊपर प्लस सी डबल बॉन्ड ओ CH3। ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहां से क्या बाहर निकल रहा है, AlCl3, और यहां ऑक्सीजन खुद के इलेक्ट्रॉन लेते ही क्या बन गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो उसके इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, और यहां क्या है, C डबल बॉन्ड ओ CH3, हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो फिनोन, क्या बोलते हैं बच्चों, पैरा हाइड्रोक्सी एसीटो फिनोन, ये रहेगा अपना मैकेनिज्म। तो देखो मैकेनिज्म में फिर से क्या बन रहा है, देखो मैकेनिज्म में एस्टर रिएक्ट विद AlCl3 विल गेट एन इंटरमीडिएट, ये दोनों में R2 में पैरा में सेम। अभी यहां का इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जा रहा है तो अपने को SiHelium कैटायन बन रहा है, इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। R2 तो पढ़ लिए, अपने को पढ़ना है पैरा, तो पैरा के लिए देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ रहा है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ, एट द सेम टाइम ये वाले बाहर की तरफ, तो यहां अपने को एक नया पाई बॉन्ड बनेगा, और यहां ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके एक सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, ओके। बट ये बनने के बाद भी ऑक्सीजन ज्यादा देर उसके इलेक्ट्रॉन को छोड़ के नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, फिर से इस वाले इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ खींचेगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, और हाइड्रोजन क्या करेगा, इस वाले सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को सैक्रिफाइस करेगा, क्यों, रेजोनेंस बनाने के लिए, तो रेजोनेंस बन गया। और यहां ये जो डेफिशिएंट हो गया है वो किसके साथ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ, और यहां पे ये स्पीसीज कॉमन है, तो इसके साथ जुड़ते ही ऑक्सीजन फिर से क्या करेगा, यहां जो इसको दिया गया है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आना है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को उसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहां से अपने को AlCl3 निकल जाएगा और बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोल। ये रहेगा फाइव रीअरेंजमेंट में
आर्गो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल फ्रॉम फिनाइल एसिटेट, इट इज एन एस्टर स्पीसीज। तो आपको याद रखना है डायरेक्टली यहां से भी आप याद रख सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन क्या है फिनॉल, बट एक्चुअली फिनॉल के साथ याद रखना आपको इजी रहेगा। ओके तो क्या रहेगा, फिनॉल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सिंपली विल गेट सोडियम फिनॉक्साइड एंड इट रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड टू गेट फिनाइल एसिटेट। तो यहां से ये वाला प्यारा देखिए, उसके पहले आर्गो देखिए। तो मैं समझता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आ गया है। अगर आपका आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।